थीम है बेचो तो जाने, तो मैं भी आ गई हूँ अपनी चलती फिरती दुकान के साथ। यहाँ पाइए भारती के भारी भरकम जोक्स के साथ अभिजीत सावंत की सुरीली तान, फ्री फ्री फ्री, स्वप्निल के चुटकुलों के साथ 100 आवाजों वाला वीआईपी पी पी, कृष्णा सुदेश और भी ढेर सारी स्कीम्स। लेकिन लेकिन सबसे पहले हमारे दो चीफ गेस्ट जो करेंगे आज शॉपिंग मेले का उद्घाटन, हंसी के गोडाउन वाली अर्चना पूरन सिंह और म्यूजिक मार्केट के सबसे बड़े शेयर होल्डर दिलेर मेहंदी। बेचारा फिल्म प्रोड्यूसर सेंसर बोर्ड गया है सर्टिफिकेट लेने, भाई तभी तो फिल्म बिकेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि सेंसर बोर्ड की एडिटर को पटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सो प्लीज वेलकम कृष्णा एज डॉली, सुदेश एज बैजू बावरा एंड हार्डकोर एज द हीरोइन ऑफ द फिल्म। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सेंसर बोर्ड की एडिटर एंड माय नेम इज डॉली देव। सब लोग मेरे को देव मैडम ऐसा करके बुलाती, इधर बहुत फेमस हूं मैं। हम लोगों का काम क्या है, जहां पर फिल्म में ऐसा बॉडी दिखा चॉपिंग। बहुत सारा फिल्मों में क्या होता है, बोर हो जाते हैं लोग, क्योंकि हम बहुत सारा सीन ऐसा वैसा काट देते हैं। अर्चना जी, मैं मजबूरी में प्रोड्यूसर बना हूँ। मजबूरी में? क्या मजबूरी थी? मेरे पिताजी की डेथ हो गई। वाओ हाओ हाओ। और मजबूरी ये थी कि घर के हालात ऐसे थे कि हम बहुत अमीर थे, करोड़ों अरबों की जायदाद। मैंने सोचा कैसे उजाड़ूं। तो एक ही इलाज था, फिल्म। 30 मार खान मैंने देखी, मेरा हौसला बढ़ गया, मैं कहा मैं भी बनाता हूँ। मेरी फिल्म बनाई और इस औरत ने मेरी फिल्म काट दी है। मैडम और मेरी फिल्म मत काटना, मैं आपके दोनों पैर पड़ता हूँ। हम पहले ऐसा पिक्चर देखते हैं, बाद में काटते हैं, समझे? ओके। हाँ। तो मैडम मैंने फिल्म बनाई थी 3 घंटे की। अच्छा। और आपने मेरे 2 घंटे काट दिए फिल्म के। आपको शर्म नहीं आती? अब 1 घंटे को मैं क्या करूं, फिल्म कौन देखेगा मेरी फिल्म? देखेगा, उससे पहले तू मेरे को फिल्म का स्टोरी सुना, बोला ना लाइव दिखाने को। ओके। मैडम ऐसा है, मेरी फिल्म का पहला जो सीन है, हाँ, हीरो साइकिल पे आता है। अच्छा, हीरो साइकिल पे कौन आ रहा है? यार ये कैसी सेंसर बोर्ड पे औरत रखी है आपने, हीरो साइकिल, हीरो जो है साइकिल पे आता है, फिर अचानक साइकिल जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर गिर जाता है। ये चिरकुंडे, साइकिल हेलीकॉप्टर के ऊपर कैसा गिर सकता है? ओहो यार, फिल्म में छोटा मोटा कॉमेडी सीन भी तो होना चाहिए ना। अच्छा ये कॉमेडी था? आपको पता नहीं कॉमेडी क्या होती है? नहीं मेरे को क्या मालूम, मैं पिछला सीजन राजीव निगम के साथ किया था। तो दूसरा सीन ये है, हाँ, मेरी फिल्म की हीरोइन, हाँ, सफेद साड़ी में, हाँ, नवीन नवेकल दुल्हन बन के आती है। ये क्या करे, मैं थप्पड़ मारना तेरे, ये क्या का? जरा जरा टच मी ओ जरा जरा किस में, ये टच करवाना तो पूरा करा, फिर जरा जरा में क्या मजा आएगा तेरे को? ए, क्या लगा के रखा है तुम दोनों ने, हाँ? ये वाला सीन तुम्हारी फिल्म से काटना पड़ेगा, समझे? नहीं 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 नहीं, ये सीन मत काटो, ये तो मेरी फिल्म का सांस्कृतिक सीन है। ओ सांस्कृतिक सीन है, हिंदुस्तान की संस्कृति में क्या इधर 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 ऐसे हाथ लगाते हट। ये क्या? ये ना गोरों की संस्कृति का सीन है, और उनको अगर पता लग गया ना कि तूने सीन काटा तो सड़क पे जाके तेरे पुतले को नंगा कर देंगे। नंगा नहीं मैडम, पुतले को आग लगाई जाती है। ओहो देखो डोली दीदी, डोली डार्लिंग, ऐसी रिलीज होने दो ना। हट, ऐसे रिलीज होने दो ना, साले नंगी पुंगी फिल्में बनाते हो तुम लोग और ऐसी रिलीज होने दो। हाँ एक्सक्यूज मी, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। ए जब तक ये चिरकुंडी पूरे कपड़े नहीं पहनेगी तब तक मैं कोई फिल्म रिलीज नहीं होने दूंगी। देखो अगर आपको काटने का शौक है ना तो मेरे नाखून काट, अगर और काटने का शौक है तो मेरी मूछें काट। साले तेरी मूछें हैं कहाँ पे? हम इतने बेवकूफ नहीं है कि मूछें लगा के जाएंगे, हम जेब में रखते हैं। अबे ओए मरे हुए मच्छर,
ये ना समझाए क्या मेरे को? इधर सेंसर बोर्ड के तुम्हारी दाढ़ी मुझ काटने को बैठे ला। ए जा, तुम लोग की पिक्चर पास नहीं होगी। नहीं पास करनी तो मत करो, मैं जा रही हूँ। ए बकवास बंद कर, चल इधर, तेरी पिक्चर कोई पास नहीं होगी। जा पहले कोई अच्छी सी पिक्चर बना, मेरे साथ फिर पास करूंगी मैं। आप मेरी फिल्म में काम करेंगी? मैं सोच भी नहीं सकता, अब देखता हूँ मेरी फिल्म कौन काटता सीन। वाओ, तुम मुझे अपनी फिल्म में लोगे? यस। सच्ची? मैं फिल्म में भी लूंगा। आप फिल्म की कहानी तो सुनो। सुना ना। हाँ। हाँ। फिल्म होगी शुरू। अच्छा, पहला सीन आएगा ट्रेलर। हाँ। 30 मार्क खान का। साले दूसरे की पिक्चर चुराता है। मेरी बात सुनो, पता क्या होता है कि आजकल ट्रेलर तो चल रही है। हाँ। ये ट्रेलर देख के ऑडियंस को थोड़ा हौसला हो जाएगा, यार इससे तो अच्छी होगी। ए, हीरो के बारे में कुछ बताना। हीरो? तुम्हें जान के खुशी हो जाएगी फिर। कौन? फट जाओगी। बताओ। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। हाँ। फट गई। हाँ। ऐसा है कि वो मंदिर की सीढ़ियों पे, हाँ, 2 घंटे, हाँ, बैठा ये सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि ये भी फिल्म चलेगी कि नहीं। जस्ट किडिंग। वो सोच रहा है शीला के बारे में। शीला यानी कि मैं? क्या सोचता है? अरे वो तो कौन सा लेवल क्रॉस कर गया होगा अपने सोच का। ये वो ऐसा नहीं तो मैं नीचे मैंने। मुझे पता तुम्हारी गंदी सोच का कि वो आएगा मेरे से राखी बंधवाएगा, ये वो ऐसा नहीं है वो। देखो जो शीला है हीरो का दोस्त है, शीला सिंह, वो लड़का है। गे तू? गे है, गे लोग पे पिक्चर बना रहा है। हा? दोस्ताना पार्ट टू। अच्छा एक बात बता, फिल्म में आइटम सॉन्ग है क्या? है ना। कौन कर रही है? ओहो देखो टोली, पहले तो मैंने सोचा था एंजेलिना जोली को ले लूं, फिर मैंने सोचा कि ऑडियंस पता नहीं सुंदर लड़की को बर्दाश्त करे कि ना, क्योंकि आजकल लोगों को आदत पड़ गई राखी सावंत को देखने की। फिर मैंने सोचा कि राखी सावंत से ऊपर कौन है, फिर मैंने अर्चना पूरन सिंह को ले लिया। यार इसमें हंसने की क्या बात है, ये जरूरी थोड़ी है कि आइटम सॉन्ग में सिर्फ लेडीज ही होंगी। क्या बकवास कर रहे? देख आइटम सॉन्ग तो मैं ही करूंगी तेरी पिक्चर में। कटवाना है कि नहीं तेरे को सेंसर? छोड़ इसका, छोड़ छोड़, मैं बात करता हूँ। ए लड़की, इधर आ जरा। अगर तू सोचती है ना कि ऐसी सेक्सी बन के स्टेज पे आऊंगी और ये आइटम तेरे को मिल जाएगी तो सही सोचती है। ए साने, चलो तुम लोग बाप बेटी निकलो इधर से। ओए बाप बेटी कौन होता है? कपड़ मारना, मेरी बहन है वो। अला एक मिनट दीदी, कहना पड़ता है समझा करो, बाकी तो अपना चक्कर पक्का। मैडम मैं एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, बाकी फिल्म तो आपने मेरी पास नहीं की, बस हमारा ये दी एंड तो पास कर दो। ये तुम्हारा दी एंड कभी पास नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारी स्क्रिप्ट का दी एंड नहीं है तो इसका दी एंड करके क्या करेंगे। तो अर्चना जी, सेंसर बोर्ड ने तो इनकी फिल्म पास नहीं की, आपने फिल्म पास किया नहीं इनकी। आई एम सो हैप्पी कृष्णा दैट तुमने वापस ये डॉली का किरदार किया है। व्हेनेवर डॉली कम्स ऑन द स्टेज आई लव इट, एज यू कुड सी आई वाज लाफिंग माय हेड ऑफ। एंड प्रोड्यूसर साहब, आपकी फिल्म वाकई में पास नहीं हो सकती अगर ऐसे ऐसे सीन्स होंगे उसमें। हार्ड कोर, यू आर अ ट्रीट टू वॉच, वेरी वेरी गुड, ऑल थ्री ऑफ यू वर फैबुलस। थैंक यू। दिलीप जी, जब भी कृष्णा जी को देखो तो मेरे हिसाब से तो इनको बेस्ट से बेस्ट, और सुदेश जी एक अलग ही समा बांध दिया आपने, और हार्ड कोर जी आपने भी बहुत बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा, खुश रहो, रब रखो। जी जल्दी से अपने स्कोर्स भी बता दीजिए। तानसेन जी आ जाइए स्कोर्स के साथ। 1 point। ओ सोने तानसेन आ जाओ। 9 points। Congratulations and thank you। ये जो पब्लिक है बड़ी उस्ताद है, सब जानती है किसके धंधे में मुनाफा है किसमें नुकसान है,
अब इस मुर्गी को ही देख लीजिए, खुद अपने अंडे बेच रही है। चलिए देखते हैं कितने भाव लगाए हैं इन्होंने। सो प्लीज वेलकम भारती एज मुर्गी, अक्षत एज मुर्गा, अभिजीत सावंत एज द बेगर, दिलेर पाजी क्वा 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 क्वा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दुपट्टा लेकर क्यों आई हूँ, है ना? क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं बिना दुपट्टे के सुरिंदर के सामने जाऊँ। बहुत ज्यादा ठरकी है, आपको पता चींटियों के साथ भी एंजॉय कर लेता है, बनियान उतार के चींटी यहाँ से चलाता है और करता एक बार चींटी ने यहाँ पे काट लिया तो कहने लगा लव बाइट लव बाइट। लव से मुझे याद आया, कैसे हैं दिलेर पाजी? वैसे आपको भी ना हमारे में बड़ा इंटरेस्ट है ना? बहुत ज्यादा, बहुत। मुझे पता था क्योंकि ये रोज ना तंदूरी चिकन खाते हैं। अर्चना जी इतना डरती है मेरी बहनें इनसे, जब भी ये हमारे मोहल्ले में आते हैं ना, हाय रब्बा, सारी मुर्गियों में भगदड़ मच जाती है। एक दिन तो इतनी भगदड़ मची कि सारी मुर्गियां सुरिंदर के घर छुप गई। फिर जो मुंह लेकर बाहर निकली सारी कहने लगी इससे अच्छा दिलेर पाजी के हाथ ही लग जाते। तुम सेंसर? अरे नहीं, मेरा नाम वैसे तो पक्के है, गाने में फिट ही नहीं हो रहा था, बोला ठीक है सेंसर ही रखो। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कमाई हो गई, सोच रहा हूँ कि चिकन तंदूरी खा लूंगा, लेकिन जाने दो अंडा ही खाता हूँ, खामा का शो नॉनवेज हो जाएगा। साले भिखारी मेरी दुकान के आगे खड़े होके मेरे को कहता हट। अरे लेकिन यार मुर्गी कैसे अपना अंडा बेच सकती है? अरे ये तो अपने अपने अंडा जोते। अरे नहीं यार, तुम बहुत चालाक मुर्गी मालूम पड़ती हो मेरे को है। हाँ मैं बहुत चालाक मुर्गी हूँ। तो एक बात बता, तू इतनी चालाक मुर्गी है तो पहले मुर्गी आई थी कि अंडा आया था? अंडा बाद में आया था। फिर? पहले मुर्गा आया था। अरे मेरे को ये बहुत गड़बड़ मुर्गी मालूम पड़ती है, मेरे को नहीं खानी था तुमसे अंडा वंडा यार। ए सर, मैं बहुत टैलेंटेड मुर्गी है, अगर हाथी के अंडे पे भी बैठ जाऊँ ना तो उसमें से भी बच्चे निकल आते हैं। अरे लेकिन हाथी अंडे नहीं देता है। हाथी अंडे नहीं देता? नहीं। भाई तो मैं किस पे बैठा ही? अरे नहीं यार, ये तुम बहुत गड़बड़ मुर्गी है, मेरे को नहीं खरीदने का तुमसे अंडा वंडा यार। जा यार ऐसे मत बोलो सब, मेरा रोना निकल रहा है, मैं बहुत गरीब मुर्गी है, मेरे अंडे खरीद लो तेरे के दे दो पैसों से, मैं अपने छोटे छोटे चूजा चूजी को पढ़ाऊंगी ताकि मैं भी दुनिया के सामने सीना ठोक के बोल सकूं कि मुर्गी शिकली प्रगति जाली। ठीक है मैं खरीद लेता हूँ, कैसे क्या है अंडा कितने का है? साहब अभी ऑर्डर करने पर 19 रुपए 99 पैसे, बाकी की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन के नीचे चल रही है। इतना महंगा अंडा 20 रुपए का अंडा, अरे इसमें से क्या हाथी बाहर निकलेगा? अरे साहब ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है, कल मेरा अंडा सुरिंदर लेके गया, उसने फोड़ा तो खाली निकला, कहने लगा ओ माय गॉड सेम मेरे जैसा ब्लैंक। अरे साहब ये लो ये वाला अंडा रखो और निकलो यहाँ से। ठीक है ठीक है। दाल, मेरी दाल। ओए ये तो पनीर है। ओ दाल, मैं आ गया, मेरी दाल। दाल? ये क्या दाल दाल लगा रखा है? ओहो बेबी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, इतना टाइम लगा दिया, मिस यू मुर्गू। अरे बताया था ना तुम्हें, वो अपना छोटा वाला चूजा है ना उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको चिकन पॉक्स हो गए थे, हॉस्पिटल ले गया था। मैं तो भूल ही गई थी। और लगे हाथ ना उसे टीका भी लगाया। कौन सा टीका? चिकन टीका। I love you मुर्गू। I love you too। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। ड्यूटी है। मैं अपना पत्नी धर्म तो भूल ही गई,
पंजे लागू। I love you मुर्गू। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो छोटे छोटे अंडे हुआ करते थे। ओके बाज मुर्गी, धोखा किया है तूने, धोखे बाज मुर्गी। चुप कर। एक अबला मुर्गी के पंखों पे कीचड़ उछाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने तो ये अंडा दिया था उसमें से गधा निकला। क्या क्या क्या? यानी कि वो अच्छा मेरा नहीं था? शर्म आनी चाहिए मुर्गी तुझे, सारी मुर्गा बिरादरी में मेरी कल की कटवा दी। ठीक है यार मुर्गा भाई, बस दिलासा नहीं चाहिए मुझे। अब तो मन करता है कि मसाला लगाकर तंदूर में कूद जाओ। सच में एक मिनट रुक जा, मैं अभी खम्मा लेके आता हूँ। साले भिखारी, ये हमारा आपसी मामला है। अरे काहे का आपसी मामला, तुमने तो बोला था इसमें से चूजा निकलेगा, मैं वेट करता रहा इसमें से गधा निकला। ए, शुक्र कर तेरे को 20 रुपए में गधा मिला, वरना ये शो देख लो लाख लाख रुपए में गधे लेकर आए। ये पति पत्नी का आपसी मामला है। आपसी मामला? अगर आपसी मामला है तो बता बता किस गधे के साथ अपनी चोंच काली करवा के आई? मुर्गू, तुमने अपनी दाल पे शक किया? तुम लोग का नाटक बाद में करते रहे ना, पहले मुझे पैसे दो मेरे। ए तू चुप बैठ, और मुर्गी इधर आ, बता क्यों किया तूने ऐसा? प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है मुर्गुल पांडे। अगर सुन नहीं चाहते हो तो सुनो, मुझे आज भी याद है वो तूफानी काली बरसात की रात, जहां मैं काम करती थी वही के मालिक के साथ मैं रंगरलिया मना के वापिस आ रही थी। तभी मुझे रास्ते में एक गधे ने घेर लिया। मुर्गी रानी, बताना मुझे कहाँ जा रही हो भीग भीग के? देखो गधे लाला, मुझे जाने दो गधे लाला, आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऐसे कैसे जाने दे तू? ऐसे चल के जाने दो गधे लाला। मेरे करीब तो आ। लेकिन उस गधे की है मैं, मेरी क्वें क्वें दब गई। नहीं, मुझबला के साथ उस रात ये सब हुआ था। क्या तूने गधा घायल कर दिया? हाँ। अरे तो फिर अंडे में से गधा कैसे निकला? वो तो सीना झपटी में गधे के अंडे गिर गए और मैं गलती से अपना अंडा समझ के उठा लाई। क्या यानी कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं था? नहीं, गधे का था। ओके मुर्गी रानी, मुझे माफ कर दो, इस इंसान की वजह से मिलोर्ड मैं तुम पे शक करने लगा था, सॉरी। ये इंसान ही हमें बार बार दुख देते हैं, हम लोगों में भी जान होती है। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। चल मैं तुझे चिकन खिलाने ले चलता हूँ। चिकन? मैं भी खाऊंगा। My God, दिलेर पाजी, ये hot मुर्गी, पक पक पकाओ, आपको कैसी लगी? मतलब ये था कि देखते जाओ और बिल्कुल नयापन। भारती आप जो भी करती हो, वाह वाह वाह, बहुत कमाल करते हैं आप, इतना कमाल। और जो लास्ट आपने बोला कि मत खाओ, उस वक्त ऐसा हो गया था कि एकदम दिल था कि एकदम रोने जैसा मन हो गया, और आपने तो मतलब हंसाते हंसाते एकदम रुला दिया फिर हंसा दिया, बहुत अच्छा, बहुत कमाल। अर्चना जी, अभिजीत, आप तुमको देखकर ये सोचना समझना मुश्किल हो जाता है कि आर यू द सिंगर और द एक्टर? बहुत अच्छा गाते तो हो ही, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से यू आर टेकिंग एवरी कैरेक्टर एंड डूइंग इट सो वेल अभिजीत, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट यू डू, वेरी वेल डन अक्षत। भारती, आई एम कमिंग टू यू लास्ट बिकॉज व्हाट टू से, थैंक यू मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल, मैं ये दिया जरूर जलाऊंगी। तो
दिलेर पाजी इस बात पे स्कोर भी बता दीजिए। तानसेन आ जाओ। अर्शना जी, कितने में खरीदा आपने ये एक्ट? आ जाइए तानसेन जी, इनको बता दीजिए कितने में खरीद रहे हैं ये एक्ट। हमारे कॉमेडी के सेल्समैन दिनों दिन और भी ज्यादा शाने हो रहे हैं। अब वो खुले आम बेचने लगे हैं सेकंड हैंड चीजों को, वो भी मुनाफे पे। ऐसी ही दुकान लेकर आए हैं राजीव ठाकुर एज द सेल्समैन, श्वेता तिवारी एज द माँ एंड कृष्णा एज दुल्हन। मैं जितना मर्जी सही मुंह मिला लूं, ये बता ही देता मैं पीछे से गा रहा हूं। पाजी, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि सेकंड हैंड का जमाना आ गया, हर चीज सेकंड हैंड लेने पड़ती है। अर्चना जी, आप की ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आपने कभी कुछ खरीदा? हर वक्त छीन के खाने वाले हो आप तो। लेकिन दलेर जी, देख लीजिए हमारा शो भी, हर चीज सेकंड हैंड। हमें तो देख लो, जज भी एक ही नया मिलता हर शो में। लेकिन मैंने दुकान खोली है सिर्फ सेकंड हैंड माल बेचने की। मैं सेकंड हैंड माल बेचता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बस सुंदर पाजी एक दिन मेरे पास आ गए, कहते मुझे सेकंड हैंड ब्रश दे दो। मैं कहा सेकंड हैंड? कहते यार थर्ड हैंड कब तक यूज करता रहूंगा। आते ही 10 नंबर वाला स्टेप। और नहीं तो क्या, तभी तो दिलेर जी दीपक जलाएंगे। दिलेर भाजी आप बड़े भोले हो, जैसे ये स्टेप करके दिखा रही है, दीपक जलाना नहीं आपका तो अंधेरा करना बनता है। बकवास हो गया, अब चलो सेकंड हैंड सामान दिखाओ। सेकंड हैंड सामान? अर्चना जी दिखा दूं सामान इसको सेकंड हैंड? सेकंड हैंड यहाँ पे मैं खुद हूँ। बेवकूफ, मैं शादीशुदा हूँ। हो ही नहीं सकता शादीशुदा। नहीं 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 नहीं, शादीशुदा ऐसी औरतें होती नहीं, शादीशुदा तो होती हैं ऐसी औरतें, देखो सोनी। हाँ बाहर, घर में तो आप पूछो जाके परमीत जी से, इन्हीं की वजह से इन्होंने देश से बाहर जाके बदमाश कंपनी फिल्म बनाई थी। और वैसे भी बदमाश कंपनी तो वही आदमी बनाता है जो पत्नी की वजह से ना पूरे समाज से इंतकाम लेना चाहता है। हो गया बकवास, अब चलो सेकेंड हैंड सामान दिखाओ, शादी के लिए चाहिए, दहेज के लिए। मुझे दहेज चाहिए नहीं, मुझे लड़की सिंगल हैंड बस एक पीस में चाहिए मुझे, प्लीज। मेरी 5 पुश्तें नहीं मांगेंगी, प्लीज एक बार मान जाओ, कबूल है। अरे बेवकूफ, अपने दहेज के लिए नहीं, अपनी बेटी के दहेज के लिए चाहिए। अरे बेटियां भी होंगी, 2-2 महीने बाद होंगी, तू मान तो सही। मेरी ऑलरेडी बेटी है। है? हाँ है। पर्स इतना अच्छा है तो अंदर लिपस्टिक कितनी अच्छी होंगी। सासू माँ, सासू माँ। मैंने सुना था बड़ों के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। मामा मैं आई 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 आई। राक्षस, राक्षस। ये राक्षस नहीं है, मेरी बेटी है। दुर्फिटे मुतेरा, ऐसी चीजों को बेटी कहती हो तुम? ऐसी शक्ल वाला बेटा घर में पैदा हो जाए लोग मंदिर की सीढ़ियों में छोड़ आते हैं। तू इसको बेटी कह रही है? सुनामी भी इसकी शक्ल देख के बोल रही होती है पहले इसको पीछे करो फिर आऊंगी। वो है, तेरा नाम क्या है मनु? सौरभ नाम क्या तेरा? परी नाम है मेरा। दलेर जी यही वो परी है जिसको देख के कहावत बनी कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। और तूने इसका नाम परी रखा? इसके पेट पे ना 250 cc का इंजन बांध के इसका नाम तुझे बुलेट रखना चाहिए था। अरे मेरी बेटी ना बहुत अच्छी है, मेरे लिए जान देने को तैयार है। जान अभी ले ले, मुकर ही ना जाए कहीं, अभी ले ले। क्यों ले लूं जान? बड़ी गुणकारी है। अरे बेटा गा के दिखा जरा। आप यहाँ पर लेने के आई थी? शादी का सामान लेने आई थी दहेज के लिए। दहेज के लिए? और तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई है इसकी आवाज सुन के? हाँ। अरे बेवकूफ, जब दिलेर जी मर्दों की आवाज में गा सकते हैं तब तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जब मेरी बेटी गा देती तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। चलो सेकंड हैंड माल दिखाओ इसके दहेज के लिए। बेड ले लो, मेरे पास सेकंड हैंड बेड पड़े हुए हैं। अरे बेवकूफ, सेकंड हैंड बेड नहीं चाहिए, सुहागरात मनानी है, टूट जाएगा। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, इसका मुंह देख के ये सुहागरात मनाएगा? जिस घर में जाएगी पूरा मोहल्ला सो जाएगा वो वाला। मम्मा हमें सेकंड हैंड नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट हैंड चाहिए। हाँ ठीक है,
कुछ और दिखाओ दूल्हे के लिए। दूल्हे के लिए मैं बेस्ट चीज दिखाता हूँ आपको दूल्हे के लिए, ये लो दलेर मेहंदी साहब की शेरवानी सेकंड हैंड। 50 शेरवानी? हाँ हाँ। इतनी सारी शेरवानी? लेकिन दिलेर जी आपने अपनी शादी पर इतनी सारी शेरवानियां पहनी थी? नहीं 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 बेवकूफ, वो तो सोने के लिए शेरवानी पहनते हैं, शादी तो उन्होंने निकर पहन के कर ली थी। नहीं चाहिए भैया नहीं चाहिए, शेरवानी भी सेकंड हैंड नहीं चाहिए। आप एक काम करो दुल्हन के लिए दिखाओ मलिका शेरावत का कपड़ा। मलिका शेरावत का ये लीजिए ये लीजिए। कपड़ा कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जब पहनती है तो कौन सा दिखाई देता है। हम सेकंड हैंड सामान नहीं लेना चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। नहीं, 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 एक चीज ले लो अपनी बेटी के लिए सेकंड हैंड, बाप ही ले लो। अच्छा ठीक है दे दे। बाप के लिए बड़ी जल्दी मान गई तू। मामा मैं ले बताओ मानूंगी नहीं तो क्या, एक एक्ट ऐसे ही चलता रहेगा और हमें नंबर जो दो भी मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेगा, ऐसा घटिया एक्ट करा ऐसे छह खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों ने आपका काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करने देना। अच्छा जी क्या कहेंगे आप? कृष्णा योर सिंगिंग इज अमेजिंग, योर गेटअप इज अमेजिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है थैंक यू। मतलब उसने जो राक्षस राक्षस बोला, आई थिंक यू लुकिंग लाइक अ वेरी क्यूट राक्षस। और सही गाना गाया आपने, इट वॉज एंटरटेनिंग एंड यू थ्री वर वेरी वेरी गुड इन इट। थैंक यू। सो इट वॉज नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटिंग। दिलेर पाजी आपको कबूल है? अब मैं कैसे कहूँ बिन कहे ना रहूँ, तू रूप की रानी है चेहरा नूरानी है, तो वो शर्मा गए अब मैं कैसे कहूँ। कृष्णा सच्ची बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हो, क्योंकि बेटियाँ जैसी भी हों बहुत बहुत अच्छी होती हैं। yeah. बहुत खूबसूरत होती हैं। आपके स्कोर्स आइए तानसेन, और ये जो जो मैं स्कोर दे रहा हूँ वो स्पेशल कृष्णा जी के लिए दिया भी आपके लिए, खूबसूरत बेटी के लिए। तानसेन जी मेरे स्कोर्स लेकर आइए। Thank you very much and all the best. Thank you. Dabur Babool presents Comedy Circus के तानसेन में कॉमेडी करने के बाद अब सिंगर्स चले हैं क्रिकेट पिच पे अपना लक आजमाने। भाई सुना है इसके तो ऑडिशंस भी शुरू हो गए हैं। तो चलिए हम भी देख लेते हैं। राजा हसन इज अदनान सामी, राजा सागू इज वेरियस कैरेक्टर्स एंड प्रीति एज द बिजनेस वुमन। दोस्तों ये क्रिकेट भी ना बड़ी अजीब गेम है। लोग अपने टीवी के सामने, पड़ोसियों के टीवी के सामने, टीवी शोरूम्स के बाहर खड़े होकर बेसब्री से इंतजार करते हुए कहते हैं कॉमेडी सर्कस के तानसेन कब आएगा। वहां पे बोलर्स एक विकेट आउट करने के लिए अंपायर से कहते हैं हाउ इज दैट हाउ इज दैट, और यहाँ पे अर्चना जी एक बार हाँ 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 कर दे, 11 प्लेयर्स एक साथ आउट हो जाते हैं। अब इन्हीं दो गेमों को देखते हुए हमने एक नया गेम सोचा है, क्रिकेटर्स के तानसेन। यहाँ से क्रिकेट और यहाँ से तानसेन, हम सिंगर्स खरीदने वाले हैं। मैंने सुना कि यहाँ क्रिकेट के ऑडिशन चल रहे हैं। तो लता जी आप क्रिकेट खेलेंगी? हाँ मैं क्यों नहीं क्रिकेट खेलूंगी मैं। आई लव मेरी और सचिन की तो आवाज भी मिलती है। हाउ इज दैट आई थिंक आई हैव अ गुड अपील। यू हैव अ गुड अपील, लेकिन लता जी आप क्रिकेट कैसे खेलेंगी? देखो सब लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी, जब मैं बॉल को मारूंगी तो कोई भी मेरा चौका नहीं रोकेगा। और मैं मैच के एंड में तो सिंगर ऑफ द मैच मैं ही बनूंगी ना। लता जी देखिए हम आपको कैसे खरीद सकते, आप तो अनमोल है। मैं आपको अपनी टीम में नहीं ले सकती हूँ, 16 बरस की बाली उम्र आउट, इतनी कम उम्र हमें नहीं चाहिए। हमें कोई यंग नौजवान हट्टा कट्टा सिंगर चाहिए यार इस गेम में, कोई है कोई? थैंक यू तुमने मुझे पहचान दिया। सर अब आपको कौन नहीं पहचानेगा सर। अरे मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे खरीद लो। सर आप मेरी एक बात मानिए, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में लग जाइए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि पास आपके पास इतना बड़ा प्लॉट है, इसे बेच के आप करोड़ कमा सकते हैं। वैसे मोहतरमा आप है बड़ी बदतमीज, फिर भी आपसे तमीज से पेश आना पड़ रहा है, खिला लो यार। सर आप अगर खेलेंगे तो बाकी के 10 प्लेयर्स कहाँ खड़े रहेंगे सर।
सर प्लीज आप चले की लालो की लालो है। आप चाहते हैं कि भारती को बुलाओ? भारती भारती तुम्हारा जादू चल गया हम तो अन्ना स्वामी, इसीलिए धरती पर आता है कभी भूकंप तो कभी सुनामी। ओ खरीदने वाली मात्र मैं हूँ अदनान सामी। मैं कैसे मान लूँ कि आप ही अदनान सामी हैं? तो तू ये कैसे मान लेगी कि ये अदनान सामी है? हाँ। मैं ही अदनान सामी हूँ, मैं समुद्र पे नाक बंद करके भी छलांग लगा लूँ ना तैरते तैरते मैं हिंदुस्तान पहुँच जाता हूँ। बोट की भी जरूरत नहीं पड़ती। बोट की भी जरूरत नहीं पड़ती, सही है। हमारे भारत में दो ही किस्म के लोगों को आने से नहीं रोका जाता, एक जो वोट से आते हैं, दूसरे जो बोट से आते हैं। इसका मतलब? एक जो नाव से आते हैं, दूसरे चुनाव से आते हैं भाई। तो हमारा चुनाव कौन करेगा? टीम में आपका चुनाव। आप समझ गए ना इसमें से अदनान सामी कौन है? तो अर्चना जी आप डिसाइड कीजिए इनमें से टीम में किसको लेना है। अर्चना जी आई फाउंड द एक्ट वेरी एंटरटेनिंग, वेरी नाइस, बट आई थॉट दैट द स्क्रिप्ट लैक्ड अ कंप्लीशन। राजा ये जो लेफ्ट वाले अदनान सामी जी हैं, राजा आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो पहले भी जो कौन सा किरदार किया था इससे पहले लता जी का, बहुत अच्छी तरह से किया एंड बहुत अदब से किया। एंड ऑफकोर्स मेरे राइट वाले अदनान सामी जी, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा किया, बिकॉज सी एज अ सिंगर ये आपका काम नहीं है एक्टिंग करना, लेकिन फिर भी इतनी खूबी से करना, सो हैट्स ऑफ टू यू पर्टिकुलरली, वेरी वेल डन। दिलीप जी जो ये निभा रहे थे या जो कर रहे थे वो तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत और अच्छा हो सकता था फिर भी, लेकिन आप राजा हसन की गाने के लिए जला हुआ। अर्चना जी कितने स्कोर्स किए इन्होंने? आया जाइए तानसेन जी। दिलीप जी तानसेन अभी आएंगे तो भी पता लग जाएगा। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे आज के चार सेल्समैन जिन्होंने यहाँ अपनी आज दुकान लगाई और माल बेचा। हमारी बाकी के चार सेल्समैन हंसी की अगली किश्त के साथ हाजिर होंगे कल सिर्फ डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन में।